अच्छे हजार के शूज तेरा पूरा घर जाएगा इसमें, अच्छे हजार के शूज है, गाड़ी इसमें चलेगी। तो आप रवाना हो रहे हैं वापस से मलकापुर रेलवे स्टेशन से, ये हमको छोड़ने के लिए आया बंदा, इसका देखो विदाई की वीडियो, ये बुलाना जाएगा अभी हमको छोड़ के सब। जा समीरा आराम से, रो रहा था अभी, उसको भी आने का था और औरत का चक्कर बाबू भैया जाएंगे अभी कल जलगांव खानदेश। चलो मुंबई के लिए रवाना भुसावल स्टेशन से, ये हमारे को सारा कंपार्टमेंट खाली महसूस होता है, पर लोग सोए हुए मतलब घोड़े बेच कर सो गए सब। हमारे को जगह मिल चुकी है यहाँ पर ट्रेन के अंदर, ये जुबैर जबकि हमारा का टिकट कन्फर्म नहीं था, जनरल टिकट में फाइल कर सोया है सर एकदम मुंबई के लिए भुसावल। पहुंच गए सीएसटी रेलवे स्टेशन फाइनली, बहुत सारी नींद लेकर, ये बंदा बहुत सोया बोलते, अब जाएंगे हम फ्रेश होंगे फिर निकलेंगे घूमने के लिए। रेलवे स्टेशन के पीछे की मस्जिद में हज़रत सैयद सैयद बिस्मिल्लाह शाह सरकार की दरगाह है, ज़रूर आना है दरगाह में, मस्जिद के एग्जैक्ट बाजू में ही है मस्जिद है सीएसटी के पीछे की, चाय की ये रोड है सीएसटी के साइड का, नमाज़ पढ़ ली वहाँ पर जो बताया था आपको मैंने, दरगाह भी अंदर साइड में, और फिर अब जब जा रहे हैं हजेली अजी, ये सीएसटी के साइड में अगर नमाज़ पढ़नी है यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं आप, सीएसटी के लेफ्ट साइड में दरगाह लोकेशन का, सीएसटी के लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में दरगाह भी है और मस्जिद भी है। ये है सीएसटी के नीचे का जो टर्मिनल्स है उसका मार्केट, वो साइड में कपड़े का मार्केट है, इस साइड में सब एंटिक्स। सीएसटी के बाहर का बाहर आके हम बस के लिए वेट कर रहे हैं जाने के लिए, देखते फिर बस मिली सीधा अब लोकेशन। वी आर कम टू द गेटवे ऑफ इंडिया, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है, और धीरे धीरे हमारे सब जो साथ में के हैं वो बढ़ रहे हैं आगे, हम बताते हैं आपको क्लोज लुक गेटवे ऑफ इंडिया का। Thank you.
वी रीच टू द गेटवे ऑफ इंडिया, देखो गेटवे ऑफ इंडिया वो साइड में ताज होता है, सामने गेटवे ऑफ इंडिया, क्लोज लुक जो है गेटवे ऑफ इंडिया का मैं दे दूंगा वीडियो के थ्रू ऐसे। अरे गर्दी बोलते आप गर्दी ये बोर्डिंग्स, ये बोर्ड जाते हैं एलिफेंटा की तरफ। लेफ्ट साइड में सारी पब्लिक है, टिकट लेकर सब बैठकर रवाना। ये है होटल ताज, यहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहा है, एक्चुअली प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पर। गेटवे ऑफ इंडिया सब लगाया है, इनकी प्रैक्टिस हो रही है। ये अंदर जाने की परमिशन नहीं है, पूरा इन्होंने पर्दे से घेर लिया इसको। पब्लिक भी पूरा जमकर बैठी है यहाँ पर। पालक चालक ये व्यू है पीछे की साइड का, आगे की साइड का तो व्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरे बैरिकेड्स लगा दिए। असलीम का गॉगल मिल चुका है, आप सनसेट सन जो है डायरेक्टली आईज में नहीं आएंगे आप, फिर हम पीछे की साइड में फोटो खींचना। There was some foreigner also in here. Foreigners भी आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए। ये जो बंदे हमारे साथ में लोगों ने उनको बोला कि सेल्फी लो सेल्फी लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो फॉरेनर्स है ये नहीं है कुछ मंकी किंकी नहीं है, जू में नहीं आया अपन है कि नहीं, सिर्फ देश की नाम खराब करने के वास्ते सेल्फी वन सेल्फी वन सेल्फी नहीं करने का फॉरेनर के साथ में। देखो पीछे का व्यू, देयर आर सो विजिटर्स फॉर अस। और ये साइड में हम जा रहे हैं तारीफ में आगे जा रहे हैं। ये देखो ताज होटल, व्हाट अ व्यू ताज होटल। हाँ बता दे सर, अब इसको इम्प्रूव करने का प्लान बनाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया को। अब क्या इम्प्रूव करेंगे इसके अंदर क्या बता, इतना तो इम्प्रूवमेंट करके बना दिया बेचारों ने, अब फिर भी देखेंगे अब। ये देखो व्यू पीछे का ताज होटल का, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है समंदर के पार। ये नाव इसमें जाएंगे अभी हम एलिफेंटा। हाजी साहब साहब समंदर समंदर है, आ जाओ आज डूबेंगे तो बचेंगे नहीं, ऐसा काम है। मुंबई में ज़्यादा हैवी रेन हुआ ना तो यहाँ पर ये आधे से ज़्यादा डूब जाता है, तो रेनी सीजन के अंदर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मल्टीपल्स नाव है यहाँ पे, बता दो बैक कैमरे शिप को सिर्फ इस सपोर्ट से बांधा गया है। देखो इतनी बड़ी शिप को बस इस डोर से बांधा गया है। We'll be right back.
हो सकता था हमने शूट कर लिया, जो एंगल से लेना परफेक्ट था वो एंगल से लेने को ट्राई किया हमने, अच्छे अच्छे फोटो आए एकदम, सिर्फ सैयद समीर के छोड़ के बाकी सबके अच्छे फोटो आए एकदम परफेक्टली। बस हम सामने का एंगल नहीं ले सके गेटवे ऑफ इंडिया का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शो है, डांस प्रैक्टिस चल रही है, वो लोग बोल रहे थे जब तक हम डांस प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको लेने देंगे नहीं फोटो, तो इसलिए हम वहाँ से आ गए वापस चुपचाप। हम डरते किसी के बाप से नहीं, बस पुलिस थे तो थोड़ी डर गए। अब पीछे के साइड में हमने पूरा घूम लिया और अब जहाँ हम जाएंगे वो जो आइलैंड बोला है इन्होंने, कोई तो भी आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है? एलिफेंटेड आइलैंड है जैसा, लेकिन कुछ तो राज होगा उसका, जाकर देखेंगे हम। हम मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले लोग हैं, ये भी मिस्ट्री सॉल्व कर लेंगे एलिफेंटा की। वहाँ पर लोग कुछ एकदम स्टाइलिश फ़ोटो खींच रहे हैं, मेरे को याद आ गए मेरे फ्रेंड सर्कल की, क्या फ़ोटो खींचा करते थे हम लास्ट टाइम आए थे हम, आरिफ, आसिफ, काशिफ, आसिफ मामू, वहाँ पर सब आए थे यहाँ पर लास्ट टाइम, ये भी फ़ोटो खींचे थे, ठीक है नहीं? इतने दिन हो गए, इतने चेंजेस आ गए, अब आए हम डबल से फिर से। पहले यहाँ पर सेल बोट थी, अब डायरेक्टली मोटराइज बोट है। चेंजेस तो कुछ भी नहीं हुए इसके अंदर दो बिल्डिंग्स में, बट लोगों के स्टाइलस चेंज हो गए, ये ग्रुप चेंज हो गया, पहले दूसरे ग्रुप के साथ में आया था, अब ये ग्रुप के साथ में आया हूँ, बढ़िया था। अभी देखते हैं एलिफेंटा।